थक लाइफ, थक लाइफ, थक लाइफ, थक मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, बहुत जबरदस्त वीक है। तिलक स्त्री वाला, स्त्री वाला, आपको एक एक मेंबर से मिलाना है मेरे, इसे कहते हैं बंगलो। यहाँ पे लड़ाई हो रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और चल पड़ा हूँ मैं महाबलेश्वर। मैंने जैसे कि आपसे कहा था एक ब्लॉग आएगा, तो अजरे सुबह के 7 बजे 5 बजे से मैं आपको उठा हूँ और एक वीडियो मैंने बहुत जल्दी अपलोड कर दिया था फर्स्ट टाइम हमारे टेक्नोलॉज चैनल पे। तो खैर जो भी, बाल छोटे करके मैं जानता हूँ कि मैं बहुत मामूल हो रहा हूँ, बहुत पकाता हूँ मैं। सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये है, ये क्या है, ये हम यूट्यूबर्स के लिए हथियार होता है। जी हाँ, मतलब हम इसको वहाँ पे लेके आके कहीं पे गाड़ेंगे और वहाँ से जाके आप लोग को वीडियो देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मस्जिद बंदर स्टेशन पे हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ये ट्रेन नहीं है, दूसरी ट्रेन है जो इस तरफ आएगी। यहाँ से पहले मुबरा जाएंगे, रिलेटिव से उन लोगों से मिलना है और उसके बाद वहाँ से कार आएगी जो 6 घंटे लगते हैं यहाँ से महाबलेश्वर जाने के लिए। और मेरे बाल बहुत अजीब है और मेरी ट्रेन भी आ गई। तो जी हाँ, ये ब्लॉग में आपको बहुत बोर होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं कहीं भी ब्लॉग बना रहा हूँ, स्टेशन पे बना रहा हूँ, ट्रेन पे बना रहा हूँ और ये बाइक का। जी हाँ, मतलब मुबरा जा रहा है और अपनी स्टाइल में लोग आ जाते हैं लोकल। पता है क्या है, क्या है जल्दी से बताओ। ये है टांगे, ये देखिए इसको बोलते हैं टांगे। तो फाइनली अब दोस्तों हम निकल चुके हैं, निकल रहे हैं यानी कि महाबलेश्वर जाने के लिए। उस लगेज वगैरह यहाँ पे पड़ा है तो मैं हमेशा से लगेज ही उठाता, मेरा यही काम है। और मेरे कज़िन के यहाँ पे आया था तो आपने शायद ये देखा होगा सोसाइटी जो मैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया था। तो अब जाएंगे सीधा डायरेक्ट कार से और कार से अब 6 घंटे का रास्ता है तो फाइनली अब हम जो है वो पहुँचेंगे। कुछ ब्रेक लिया हो यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटा सा पिटरी होता है ना, जैसे कि हम कहते हैं कुछ इस तरीके का है। काफ़ी सारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, लोग यहीं पे रुकते हैं। तो लोनावला के और पोपोली के बीच में ये जगह आती है और हम यहाँ पे कर रहे थे मूत्र विसर्जन। जी हाँ, बहुत ज़ोर से आ जाती है कभी कभी। और कुछ नहीं, कुछ खाएँगे वड़ा पाव वगैरह जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आ चुका है चिप्स है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने नूडल्स मंगाया हुआ, यहाँ पे वेज है जो भिंडी वगैरह है, रोटी है, पापड़ है, छाछ है और यहाँ पे लड़ाई हो रही है। हाँ देख सकते हैं, हाँ तो ये इधर से उधर ट्रांसफ़र, उधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है और भी रोटियाँ आई। फाइनली दोस्तों हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन, तो अभी तो आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा, जब हमारे विले पे जाएंगे तब आपको दिखेगा। तो यूजुअली ऐसे ही आप देखेंगे सब, आपको इस तरीके के घर यहाँ पे मिलते हैं। तो जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं, काफ़ी सुकून है, पीसफुल है और हमारा सेटअप अगर बन जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्या बोलते हैं आप।
जैसे कि आप देखेंगे मेरे बाल जो है बहुत ही बिखरे हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और एकदम ज़्यादा उड़गल उड़गल हो रहा है मेरे साथ। हमारे फ्रेंड भी यहाँ पे जाओ जो भाग रहे, 4 घंटे में पहुँचा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा रूम है, मेरा मतलब हम लोग इसमें स्टे कर रहे हैं, मैं और मेरे डैडी और मेरी फूफी, मेरी बहन अलग रूम है और अंकल और दूसरा एक दोस्त अलग रूम है। तो जी हाँ, इस तरीके का कुछ बेडरूम आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्लीन। और टीवी भी यहाँ पे, जहाँ पे आपको मैंने जो टेक्न्यूज दिया था वो ये कैमरा यहाँ पे इस तरीके से लगाया था और मैं यहाँ पे बैठा था और पीछे ना आपने कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड देखा था। यहाँ पे स्मार्टफोन लगा के रखा हूँ मैंने और कुछ क्या और क्या, और मुझे देखना है आपको, मुझे देखना है तो देख लीजिए, बहुत ही बेहाल हूँ मैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके की हालत हो गई मेरी और कुछ नहीं भाई। यहाँ पे ये गैलरी का एरिया जहाँ पे बहुत गीला हो गया, मतलब बारिश हो रही है, ये एक अलग से रूम मिलता है। और मेरा मोबाइल जो है अभी अंधेरा है तो कहीं मुझे भूत वूत ना दिख जाए यहाँ पे, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। जी हाँ, मुझे ऐसे कुछ लगा कुछ तो था वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी गैलरी आपको मिलती है और किचन है और वहाँ पे अंदर एक और बेडरूम है, तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। और ये हॉल में आप देखेंगे तो टीवी वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये एक पार्ट है ऐसे। इसी अगर मैं डोर ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे बाहर ये एक 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 सारे के सारे रूम्स है, जिसके अंदर सबके अंदर आपको तीन तीन चार चार बेडरूम मिलेगा। तो दिन में आपको और अच्छा लगेगा, खैर मैं आपको दिन में ज़्यादा दिखाऊंगा। तो सेल्फी कैमरा में मैं एकदम अजीब लगता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, आँखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये Xiaomi Pro का सेल्फी एकदम अजीब है। और मेरे बाल जब पहले छोटे करता हूँ तो एकदम से छोटू सा बच्चू लगता हूँ, कुछ इस तरीके का मामू दिखता हूँ। अगर आप मुझे मिरर में से देखेंगे तो मैं कुछ इस तरीके का दिखता हूँ, अगर आप मुझे इस साइड से देखेंगे तो मैं वही साइड घूम के आ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का यूट्यूब ही मैन। जी हाँ, आई एम ही मैन। तो सुबह हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे ये हमारे बंगलो का बैकवा साइड है, यानी कि बैक साइड, और यहाँ पे ये फेवरेट चीज़ हमारी स्विमिंग पूल। जी हाँ, ये तो रहना ही है, ये अगर गर्मी में नहीं रहेगी तो लोग क्या करेंगे। हल्का हल्का बारिश हो रहा है और वहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा कोहरा मच चुका है, यानी कि वो पहाड़ था अब पूरा बादल है। और मेरा हाथ यहाँ पे फ्रीज हो रहा है, मतलब इतनी ठंड है कि मैं क्या कहूँ आपसे। ये अच्छा साइड है और इस तरफ आप देखेंगे ये मेन जो मैं कल आपको रात में दिखा रहा था, ये कॉटेज जो भी हम कहते हैं कुछ इस तरीके का है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, दूसरे दिन में आपका स्वागत है। पहला दिन कैसा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अब सेकंड डे शुरू हो चुका है और बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ठंडा है। और आज दूसरे दिन में कुछ बाहर जाके आप लोगों को कुछ कोशिश करूँगा अच्छी चीज़ें दिखाने की, कुछ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। और एक और बंगलो है वहाँ पर भी हम जाएंगे। कान मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कान है ही नहीं, और मेरी नाक है, कान मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कान नहीं, इतनी ठंडी है। तो कुछ ऐसे ही हाल है यहाँ पे। और ये तो सिर्फ बारिश का मौसम है, ठंडी में तो आप ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। और अंदर मैं अभी तो सो के उठा हूँ, मैं कुछ इस तरीके का हाल करता हूँ जब मैं सो के उठता हूँ, तो क्योंकि जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं सीधे नहीं उठता हूँ, मेरी आदत है मैं उल्टा पुल्टा घूम के उठता हूँ। ठीक है, इस्त्री वाला अगर आपको अपने कपड़े को इस्त्री कराना है तो आप मुझे जल्दी से बताइए, ऐसा इस्त्री वाला आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये देख रहे हैं आप, इस्त्री मतलब आयरन, आयरन मतलब इस्त्री। इसके पहले मैंने क्या किया था, अपना ही शर्ट एक बार जला दिया था। तो सोच समझ के आप अपने कपड़े मुझे दीजिएगा, एड्रेस आपको देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा। जो भी इस्त्री कराना है, 5 रुपया एक शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ऊपर से आपको दिखाता हूँ, एकदम नज़दीक से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये है और ये मिनी स्विमिंग पूल है। मेरे हाथ से मेरा फ़ोन स्लिप हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है और कुछ लोग यहाँ पे और टहल रहे हैं। सुपर्ब है, सुपर्ब। अभी एक और बंगले में जा रहे हैं तो मैं तैयार हो चुका हूँ। ये बताइए कि कैसा लग रहा हूँ मैं, है ना, रेंजर्स एकदम। और ये बर्ड का साउंड मुझे बहुत पसंद है। शांत हो गई, अलविदा। बैग बहुत नीचे, आप देखेंगे इसको नीचे लाने के लिए कुछ टाइम से लाना पड़ता है। और फाइनली इस बंगले को हम कर रहे हैं अलविदा। और ये है पीछे, अब हम जा रहे हैं दूसरे कॉटेज में, हमारी कार वहाँ पे। और ड्राइवर साहब जो है वो शर्मा के बहुत है, जावद भाई जो बहुत फास्ट चलाते गाड़ी।
इतनी फास्ट कि हम लोग को 6 घंटे की जगह पे 4 घंटे में लेके आ गए, जो कि एक बहुत ही बड़ी आर्ट है। तो ये आर्ट जो है वो आर्ट है। अच्छा ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का कॉन्क्रेव है। तो कभी आपको चढ़ाना सामान तो आप इस तरीके से चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ भी करता हूँ यार, जैसे रिकॉर्डिंग किया मैंने, तो ये अभी मैं कितना भी घुमाऊँगा उसको, ये वो जो ब्लर होता है ना, जो बोल रही है वैसा ब्लर नहीं होता। ये आप भी वीडियो में आ गए, इसमें भी आप भी जाएंगे। तो ये आप देखेंगे, ये जो आपको खेती दिख रही है ये स्ट्रॉबेरी की खेती है। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी हम जो खाते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं, कमेंट करके बताना, मैं भूल गया। स्ट्रॉबेरी बोलते हैं ना शायद, कुछ ऐसे ही। तो ये आप देखेंगे वहाँ पे, यानी कि ये पूरा वहाँ से ये आप देखेंगे वहाँ तक, ये सब जगह पे स्ट्रॉबेरी की खेती है। यानी कि कितना बड़ा है, ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया। और ये क्लाइमेट और यहाँ के जो बर्ड्स इतने ब्यूटीफुल है कि मैं आपसे क्या कहूँ, सुपर्ब है। आपको एक मेंबर से मिलाना है मेरे, और वो मेंबर जो है वो मुझे देख के यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में आ चुके हैं। उनकी अम्मी यहाँ पे है, जी हाँ। तो और ये हमारे दोस्त है, तो देखिए आप कितने क्यूट है, कितने क्यूट है, देखिए मुझसे डरते है, देखिए भाग गए क्योंकि मैं डर गया ना इसलिए। एक मिनट, आपको मैंने अम्मी दिखाया, आपको डैडी दिखाना तो बाकी है। और डैडी है, डैडी देखो इधर है, ये डैडी है, बड़े गुस्से में है, बड़े ज़्यादा गुस्से में है। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कर दे मैं निकलता हूँ, वरना आपको वीडियो नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम दूसरे बंगले में आए हैं, और ये जो बंगला है ये मेरे भाई के फादर इन लॉ का है, ससरे ससरा बोलते ना। तो ये देखेंगे आप, ये बंगला है, बंगला बंगलो, हम तो बंगला बोलते हैं जो भी है। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इसमें कितने रूम्स है, कैसे है। और नीचे की तरफ भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है जो पूरा फॉग में रहता है। और नीचे भी एक जगह है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यूजुअली जो महाबलेश्वर पंचगनी होता है वहाँ पे ऐसे प्लेस होते हैं। तो वो एक बंगला आपने देखा था, अभी आपको दूसरा दिखाऊंगा। ये खुद हमारा ही है, मतलब हमारे भाई के ससरे का है। और बारिश आ रही है, और यहाँ पे बोला जा कि मुझे ऐसा लगा बंदर है, जी हाँ। तो यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर ये मेरा रूम है, मैंने ये वाला बुक किया हो क्योंकि मुझे यहाँ से व्यू अच्छा चाहिए था, अपना स्टाइल ही अलग है। हाँ, तो दोस्तों आपको एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आपको जो बंगलोस वगैरह मिलते हैं वो 3,000, 4,000, 5,000 पर डे आपको रेंट पे मिल जाता है, तो आपकी फैमिली है, कपल्स या जो भी आप शादीशुदा है या जैसे भी है, कपल्स अलाउड नहीं, सॉरी, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और घूम सकते हैं। यूजुअली ठंडी और बारिश के मौसम में लोग आते हैं। मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे पीस है। हम यूट्यूबर्स को सिर्फ पीस चाहिए क्योंकि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है और बैकग्राउंड में हमें कोई साउंड नहीं चाहिए रहता है, लेकिन ये जो पीस है ये हमें मुंबई में, और ख़ास करके मेरे एरिए को। तो दोस्तों बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे, और हम लोग जो है वो छाते के अंदर नीचे खड़े हैं, और अब जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तो फाइनली दोस्तों ये है मेरा ड्रीम फॉग, बहुत पसंद है ये। आप देखेंगे यहाँ पे बादल जो है पूरा नीचे आ चुका है इस तरफ से, और गाड़ियाँ भी जो जा रही है यहाँ से बिल्कुल भी किसी को कुछ दिख रहा नहीं है। और हमने यहाँ पे कार पार्क करके यहाँ पे जो बाहर निकले, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यार, बहुत मज़ा आएगा। हवा इतनी ठंडी है यहाँ पे, मैं आपसे क्या कहूँ। यहाँ पे दोस्तों अभी हम जो है वो मार्केट में आए हैं, और महाबलेश्वर मार्केट जो है वो स्पेशली यहाँ पे खाने पीने की चीज़ बहुत मिलती है, जो मीठा होता है वो यहाँ से अक्सर हम लोग लेके जाते हैं। मैं आया था पहले, और ये यहाँ से शुरुआत होता है, यानी कि इस तरफ से पीछे से। और अब यहाँ पे बारिश की वजह से, फॉग की वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहीं आए, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जो एंड तक आपको ये मार्केट मिलेगा। तो बैठने की है कि मार्केट यहाँ पे जो बंद है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सारी दुकानें आप बंद नज़र आ रही है, वो इसलिए क्योंकि बोला ना आपको बारिश की वजह से बंद है। ये सीज़न एक्चुअली ये प्रॉपर नहीं है, लोग खासकर जो मुंबई में या कहीं और पर गर्मी होती है तो यहाँ पर आते हैं ठंडी लेने के लिए और शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि चीज़ें और बाज़ार यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, और मेरे मुँह से भी काफ़ी धुआं निकल रहा है। क्या है, ये है रोज़ गोला, और ये है बटर स्कॉच गोला, जो किसी ठंडी के मौसम में खाना पड़ता है। जी हाँ, महाबलेश्वर में, सही है। अब ये है, ये क्या है, कुंडी आइसक्रीम, मटका आइसक्रीम, मटका कुल्फी है। तो ये देखिएगा, ये आपको कुछ इस तरीके का लजीज मिलता है और इस तरीके से आपके मुँह में जाता है, वाह वाह। और ये है ड्राई फ्रूट गोला, जी हाँ, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स है, मेरी फूफी यहाँ पे खा रही है। अच्छा है ना, यम्मी है, क्या बात है। तो ये सब क्वालिटी के गोले आप देखेंगे ऊपर आपको मिलते हैं, सारी दुकानें बंद है, लेकिन लकीली हमको गोला मिल गया है। दूसरे दिन का सेटअप जो है वो टेक्निक्स का कुछ ऐसा है।
मुझे बिल्कुल भी आज मूड नहीं है टेक न्यूज़ देने का, बहुत थक गया हूँ मैं, क्योंकि पूरे दिन बाहर जो घूम रहे थे तो उस हिसाब से प्रॉब्लम हो गई थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बेडरूम है, और कुछ और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये पैसेज है, ये फर्स्ट फ्लोर का है, और यहाँ पे एक और बेडरूम है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे उसकी गैलरी वहाँ पे अलग है, और ये आप देखेंगे, और सामने की तरफ किचन मिलता है आपको, और यहाँ पे ये हॉल है इस तरीके से, और यहाँ पे एक बेडरूम और मिलता है, तो ये कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। देख रहे हैं आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं इन लोगों को मुझे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ गुड मॉर्निंग, आज तीसरा दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जी हाँ तीसरा दिन है। मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, बहुत ज़बरदस्त वीक है, यानी कि 10 + 10 बोलूंगा तो समझ जाएगा 20 है, 5 + 9 तो सोचता हूँ मैं ऐसे है। और आज मुझे नहीं पता था कि तीसरा दिन भी वेट करेगा, तो उस हिसाब से मैंने 2 शर्ट और 1 टी शर्ट लाया था, और बींग अ यूट्यूबर एक ही शर्ट रिपीटेड पहनना हमारे लिए काफ़ी ऑकवर्ड होता है, आज अच्छा नहीं लगता है, तो लेकिन हम एक फैमिली है सब तो चलता है। तो ये जो कल शर्ट मैंने पहना था वही आज मैं पहन रहा हूँ, और मैंने टेक्नो शूट किया था, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको मैंने अपलोड नहीं किया कल जो शूट किया था, ये उसी दिन की टेक्नो से जहाँ पे इन्फिनिक्स ने और इंटेक्स ने अपने कुछ फ़ोन्स लॉन्च किए थे। आप देखेंगे जैसे कि स्क्रीन पे मैंने रिकॉर्ड करके अब सब कुछ एडिट करके रखा था, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था उस वीडियो में, वो मेरे टेक्नोरोस टाइप के वीडियोज़ नहीं लग रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने बोला छोड़ जा रहे थे बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो चुका है, और सुबह के 8 बज रहे, ठंडा हो गया एकदम, और मैं होशियारी करके नीचे गया था पहले, लेकिन मेरे पैर जम गए थे, तो मैं भाग के ऊपर आ गया, और फिर ऊपर आके यहाँ पे इज्जत से बैठ के अभी आप लोगों को मैं ब्लॉग दे रहा हूँ। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, ये मेरे डैडी के दोस्त का उनका एक बंगलो है, तो जी हाँ अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों ये इसे कहते हैं बंगलो, जी हाँ, और मुझे बंगलो तो पसंद रहता है, लेकिन बेस्ट जो होता है वो स्पेस होता है, जो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके की आप लोगों को कुछ पीसफुल चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और ये मेरे डैडी के जो दोस्त हैं वो न्यूज़पेपर चलाते हैं उर्दू न्यूज़ करके, और मैं बहुत चलता है उनका, इसी उर्दू में मिलता है वो न्यूज़पेपर, तो मेरे डैडी के दोस्त लगे उन्होंने फ़ोन किया, और यहाँ पे तो उनका बंगलो भी देखने को मिला। ये बंगलो है अंदर से आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बेस्ट पार्ट ये है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये स्पेस आपको मिलता है, दिल करता है यहाँ पे क्रिकेट खेलो, यहाँ पे स्टम्प लगाओ, यहाँ पे देखो एक और स्टम्प, यहाँ से स्टम्प लगाओ। तो ये यहाँ से हम जो है बंगलो में एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ शोपीस वगैरह मिलती है, एक बड़ा सा मिरर है आप देखेंगे मुझे, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर से हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये जो है वो एक हॉल साइड है, ये जैसे कि रेस्ट वगैरह करते हैं जो, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और ये देखिएगा, इसे कहते हैं टीवी, शार्प कंपनी का है, शार्प, जी हाँ, और ये कौन सी कंपनी का, भाई इसका रिव्यू कर दे क्या, नहीं छोड़ो। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक बेडरूम है, यहाँ पे आप इधर भी एक टीवी लगा हुआ है, बाथरूम है, ये बैक साइड जो मैंने आपको पीछे की तरफ बताया था मुझे मिलता है। और ये देखिएगा आप, ये देख के मुझे एक सच में गोवा वगैरह की याद आ जाती है, मतलब गोवा में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक और बेडरूम मिलता है, और ये बेडरूम अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका भी आपको पीछे का बैक साइड मिलता है, और इसका भी आपको गैलरी, यहाँ पे भी टीवी वगैरह, और इतना बड़ा कबोर्ड, आप देखेंगे कबोर्ड कितना बड़ा आपको मिलता है। और फिर ऊपर अगर फर्स्ट फ्लोर की तरफ अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे ये एक और बैठने की जगह आपको मिलती है, प्लस यहाँ पे ये एक और बेडरूम है, सुपर है यार, बहुत ही बड़ा बंगलो है ये, और ये कोई बात हुई ना, क्या बात है, ये मस्त व्यू है यार, बेडरूम में से ही बैठो और व्यू देखो। और यहाँ पे ये भी देखो बैक साइड है, प्लस यहाँ पे आपको एक और बेडरूम मिलता है, जो इस तरीके का आप देखेंगे, जो नीचे आपको सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिल रहा था। और अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखिएगा जो फाइनल व्यू है, और जी हाँ, तो ये बेडरूम जो भी इस बेडरूम में रुकेगा वो बहुत ही लकी होगा, क्योंकि उसको टोटली पूरा माउंटेन व्यू मिल रहा है। दोस्तों आप ये देखेंगे, ये है मदीने शरीफ, हमारे जो नबी है ये उनका ग्रेव है, हम जैसे कि वहाँ पे जाते हैं। और ये है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, हमारे जो अल्लाह है उनके 99 नाम है, और
ये जो स्टाइल में बना है, एक ऐसे ट्री बना है, एक चिपॉट है और उसमें जो सारे लीव जा रहे हो, ये 99 लीव्स है, इसके अंदर 99 नेम्स है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम है। जी हाँ, एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल ही गया, बेसमेंट भी है। जी हाँ, और ये वही सब चीज़। हाँ, बेसमेंट में तो सबसे बेस्ट चीज़ है किचन। ये है किचन, इसको बोलते हैं, बड़ा सा फ्रिज, और ये खाने पीने चीज़ें आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है, ये अच्छी जगह है ना, ये अच्छी स्पेस है बैठने के लिए। और ये फाइनली हम जो वो बैक साइड जो मैं आप लोगों को बताता था क्रिकेट खेलने की जगह है, और ये है हमारे फ्रेंड, और वो देखो छोटे 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 से फ्रेंड जा रहे हैं वहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नज़दीक जाऊँगा तो कहीं मुझे मार ना दे ये लोग। ये देखो कैसा देख रहा है, माइंड यू, एक सेकंड, चाचा चाचा अंदर जाने दो, मारो मत, अपनी मम्मी ने बच्चों को अंदर लेके चले गई, अब तुम लोग फंस गए, हा 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 हा, अब मैं पकड़ लूंगा। तो दोस्तों हमारे साथ है भानु भाई, इन्होंने जो है पूरे बंगलों को, बंगलों हमें दिखाया ना। जी हाँ, और यही जो है वो मेरे जो डैडी के दोस्त थे खालिद अंकल, उनके बंगलों को संभालते हैं, इनका भी घर बैक साइड में है। तो जी हाँ, और यही जो कब से बेचारे यहाँ वहाँ भाग भाग के रूम खोल रही है घर। जावेद भाई क्या बोलते हो भाई, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट, ठीक है। तो बस दोस्तों अब यहाँ से हम अलविदा लेते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत ही लंबा व्लॉग था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हमारे साथ है फारूक भाई, ये देखभाल करते हैं, और इनका खाना बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू वेरी मच। कुछ बोलना है? नहीं 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 आप भी बोलिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखेंगे जाते जाते थोड़े से नज़ारे हम देख के जाएंगे। तो अब भी यहाँ पे फारूक भाई बोलेंगे थग लाइफ, क्या बोलेंगे? थक ऐसा, तो हम लोग एंड करते हैं और आप बोलना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए थग लाइफ, फिर स्टार्ट में बोलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए थक लाइफ, थक लाइफ, थक लाइफ, थक लाइफ।